एसबीटी न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। बीकानेर जिले के गजनेर थाना क्षेत्र में शनिवार अल सुबह दो ट्रकों में आमने सामने भिड़ंत हो गई। ट्रक के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई, जिससे दोनों ट्रक चालक जिंदा चल गए। हादसे की सूचना के बाद गजनेर व कोलायत पुलिस मौके पर पहुंची। गजनेर SHO अमर सिंह ने बताया कि हादसा शनिवार सुबह 6:15 बजे के करीब हुआ। गोल्डी फांटे के पास आमने सामने यह भिड़ंत हुई और हादसा इतना भयंकर था कि दोनों वाहनों का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद एक ट्रक का डीजल टैंक फट गया और आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। राजमार्ग पर दोनों पर वाहनों की कतारें लग गई और हादसे की सूचना के बाद गजनेर व कोलायत पुलिस मौके पर पहुंची। राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीना ने जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर एक बार फिर खुलकर नाराजगी जताई। मीना ने कहा कि मैं मंत्री हूं, सरकार के खिलाफ बोलना उचित नहीं है, लेकिन किसी चीज को दबाना नहीं चाहिए। करौली जिले में कानून व्यवस्था मजाक बनकर रह गई है। पुलिस के संरक्षण में बजरी का अवैध खनन व परिवहन हो रहा है। बीकानेर के JNVC थाना क्षेत्र में बिजली बोर्ड के एक्सिन के घर चोरों ने धावा बोलकर लाखों रुपए की नकदी, सोना चांदी के आभूषण वगैरह चुरा ले गए। वारदात के समय घर बंद था और वारदात का पता चलने पर पीड़ित बीकानेर आया और JNVC थाने में मामला दर्ज कराया। ब्रिज किशोर कालरा ने रिपोर्ट में बताया कि पिछले 2 माह में उसकी पोस्टिंग सरदार शहर में है। शुक्रवार सुबह पड़ोसियों ने फोन कर बताया कि घर का ताला टूटा हुआ है और इसके बाद सरदार शहर से रवाना होकर वे बीकानेर पहुंचे। उदयपुर में नगर विकास न्यास की ओर से गत 15 अप्रैल 2020 को क्लिनिकल वर्क व डोर टू डोर सॉलिड वेस्ट कलेक्शन के लिए जारी की गई ई निविदा पर सिविल अदालत ने शुक्रवार को रोक लगा दी। 15 अप्रैल 2020 को UIT ने 3 नंबर की सूचना जारी की थी और इसमें डोर टू डोर कचरा संग्रहण व 3rd व 4th डिवीजन में कार्य के लिए निविदा जारी की गई थी। राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ी लाल मीना ने शुक्रवार को जयपुर में SMS हॉस्पिटल के सामने वाली रोड पर बंगला नंबर 2 खाली करना शुरू कर दिया। यहां का आधा सामान वे मानसरोवर SFS स्थित आवास पर भेज चुके हैं। डॉ. मीना ने बंगला यह कहते हुए खाली कर दिया कि आए दिन लोग CM अशोक गहलोत को विधायक बंगले को लेकर शिकायत करते हैं और वे नहीं चाहते कि मेरी वजह से किसी को नीचा देखना पड़े। सरकार 10,000 रुपए रोज जुर्माने का नियम बना चुकी है और वे रोजाना 10,000 रुपए नहीं चुका सकते। डॉ. मीना पिछले 17 साल से इस बंगले में निवास कर रहे थे। राजस्थान सरकार जल्द ही कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए ऐसा टेस्ट शुरू करने जा रही है जिसका परिणाम आधे घंटे में आ जाएगा और इससे पता लगेगा कि मरीज पॉजिटिव है या नेगेटिव। इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च ने नई राह दिखाई है कि RT-PCR के कॉम्बिनेशन के साथ एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट होना चाहिए और इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों व विशेषज्ञों से रायशुमारी की है। ये किट प्रेगनेंसी टेस्ट किट जैसा होगा और किसी भी मरीज के गले या नाक से स्वाब लेने के बाद उसे बफर सॉल्यूशन में रखा जाएगा। अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेज बड़ल्या को आयकर विभाग ने धारा 80G के तहत छूट का प्रमाण पत्र जारी किया है और इससे कॉलेज में आर्थिक सहायता करने वाले भामाशाहों और दानदाताओं को आयकर में छूट मिलेगी। प्राचार्य डॉ. उमा शंकर मोदानी ने बताया कि कॉलेज ने इस वर्ष जनवरी में आयकर विभाग में आवेदन किया। विभाग ने धारा 80G के तहत आयकर छूट संबंधी प्रमाण पत्र जारी किया है। उदयपुर शहर के सेक्टर 7 निवासी 38 वर्षीय पुरुष के बुखार की शिकायत पर गुरुवार को टेस्ट करवाया गया। उसकी शुक्रवार को रिपोर्ट पॉजिटिव आई और रोगी ने बताया कि पिता के निधन के बाद 10 जून को परिजनों के साथ हरिद्वार गया था। 2 रिश्तेदार दादर नगर हवेली थे और जो 2 दिन पहले उनके वहीं कोरोना पॉजिटिव आए। राजस्थान के करौली जिले में पुलिस की स्पेशल टीम ने शुक्रवार को हनुमान मंदिर से साधु के वेश में एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया। एक हत्या मामले में पिछले 38 सालों से फरार चल रहा था। मीना नाम के शख्स पर जमीन विवाद के चलते अपने पड़ोसी की हत्या का आरोप है और पुलिस हत्या के बाद से उसकी तलाश में थी। पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए जिंसी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मंदिरों में दिन गुजारता था। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वायरस संक्रमण के उपचार के लिए पतंजलि आयुर्वेद द्वारा बनाई गई दवा के क्लिनिकल ट्रायल करने को लेकर नीम्स अस्पताल को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।
जयपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने बताया कि हमने बुधवार को अस्पताल को नोटिस जारी कर 3 दिन में स्पष्टीकरण देने को कहा है। भरतपुर जिले के कामा में बदमाश एक एटीएम ही उखाड़ कर ले गए। एटीएम में करीब 1.5 लाख की नकदी थी और सूचना मिलने पर कामा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बदमाशों की तलाश में जगह जगह टीमें रवाना की गई है। पुलिस के अनुसार बदमाशों ने एटीएम को खोलकर रुपए निकाल लिए और खाली एटीएम पास के जंगल में फेंक दिया। पाली जिले में तस्करों में पोस्ट की तस्करी के लिए लग्जरी कारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पाली जिले में रानी थाना पुलिस ने लग्जरी कार में पोस्ट की तस्करी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस के अनुसार एक सूचना के आधार पर नाकाबंदी करके कार को रुकवाने की कोशिश की तो कार चालक ने नाकाबंदी तोड़कर भागने का प्रयास किया और फिर पुलिस कर्मियों ने कार को किसी तरह रोककर तलाशी ली तो कार से 117 किलो 400 डोडा पोस्ट बरामद हुआ। पुलिस ने कार में सवार तीनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। दौसा जिले में बीती रात एक सड़क हादसे में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। पुलिस के अनुसार लालसोट थाने के पुलिसकर्मी जीप में जा रहे थे और रास्ते में एक ट्रोला चालक ने ट्रोले को तेजी से लापरवाही से चलाकर टक्कर मारी जिससे 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने सीमेंट से भरे ट्रोले को जब्त कर लिया है। जयपुर राजस्थान में नए संक्रमितों और कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। शनिवार सुबह आई रिपोर्ट में 127 नए संक्रमित मरीज मिले जबकि 9 कोरोना मरीजों की मौत हुई। राज्य में अब तक 16,787 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं और वहीं 389 मरीजों की मौत हो चुकी है। आज सुबह मिले 127 नए मरीजों में सबसे अधिक अलवर 38, धौलपुर 30, जयपुर 13, कोटा में 12, सीकर 10, अजमेर 5, उदयपुर 4, झुंझुनू बीकानेर में 3-3 और दौसा डूंगरपुर हनुमानगढ़ नागौर सवाई माधोपुर में 1-1 संक्रमित मरीज मिला। आइए बढ़ते हैं इस बुलेटिन के अंतिम खबर की ओर। राजस्थान में लालसोट क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन भी टिड्डियों का हमला जारी रहा। क्षेत्र में जयपुर व सवाई माधोपुर जिलों से आए टिड्डियों के 2 अलग अलग दलों ने प्रवेश करने के बाद करीब 2 दर्जन से अधिक गाँवों में काफी नुकसान पहुँचाया। आंवले के बगीचों में भी जमकर तबाही मचाई और जगह जगह किसानों की फसलों को चौपट कर दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान से जुड़े तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।